अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। तहनियत, कब तक आ रही हो घर वापस? मामा आज तो काफ़ी काम है, थोड़ा सा शायद लेट हो जाऊँ। क्यों, क्या हुआ, सब ठीक है? हाँ, वो अरसलान स्कूल से वापसी पर वैन से उतरते हुए गिर गया है, तो उसके टांग पे चोट आई है। ओहो मामा, वो ठीक तो है ना? ज़्यादा परेशानी वाली कोई बात तो नहीं है? अरे नहीं, इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। तुम्हारे बाबा ने उसकी बैंडेज करवा दी है, बस वो रास्ते में आ रहे हैं। बच्चा है ना, डर गया था और तारा को याद करके रो भी रहा था। अच्छा, आप प्लीज़ एक काम करें, उसको ना तब तक बहलाएं, मैं जल्दी आने की कोशिश करती हूँ, ठीक है? हाँ, तुम परेशान ना हो, बस जल्दी आने की कोशिश करना। ओके बाय। हाय, आइए जी। तहनियत ये है मिसेस शम्स और ये है इनकी फैमिली। मिसेस शम्स ये है तहनियत, ये हमारी हेड डिज़ाइनर है, हमारी एग्जीक्यूटिव इंचार्ज है एंड प्रीटी मच माय राइट हैंड। तहनियत, तुम्हें याद होगा ना, मिसेस शम्स इन्होंने हमें लाहौर से एक बहुत बड़ा ऑर्डर दिया था कुछ महीनों पहले। बिल्कुल मुझे याद है, मिसेस शम्स से तो खास तौर पर कॉल करके ड्रेसेस की तारीफ की थी। एग्जैक्टली मिसेस शम्स एंड तहनियत, आई एम सो सॉरी, मुझे एक अर्जेंट मीटिंग के लिए बैंक जाना है। मिसेस शम्स, तहनियत जो है वो आपका ख्याल रखेंगी, जो ऑर्डर की डिटेल्स होंगी तहनियत तुम इनसे सारी डिस्कशन कर लो और जो बाकी मामला होंगे ना वो मैं इनसे डिस्कस कर लूंगी, ठीक है? मिसेस फारूक, ओके जी, खुदा हाफिज, हैंड ओवर टू तहनियत, बाय बाय, खुदा हाफिज। आप आए, मैं आपको बुटीक का विजिट करवा लेती हूँ, साथ ही साथ आप लोग कनेक्शन भी देख लीजिएगा, देन हम फर्दर डिस्कशन कर लेंगे।